जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दर्शकों, मैंने कई वीडियो में आप लोगों से 2023 के संदर्भ में बहुत सारी बातें कही हैं, जिसको लेकर के हो सकता है कि आप लोगों के मन में थोड़ा संदेह भी आ रहा होगा कि अगर ऐसा होगा तो फिर हमारा क्या होगा, भारत का क्या होगा, इकोनॉमी का क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसका क्या होगा। दर्शकों, आज का वीडियो यदि आप पूरा ध्यान से देख रहे हैं तो आपके मन से आज बहुत सारे संशय दूर अवश्य होंगे। सबसे पहले एक बात समझते हैं दर्शकों, कि ज्योतिष का मतलब केवल इतना सा नहीं होता है कि ग्रह, ब्रह्मांड, नक्षत्र, तारे, केवल इतना सा नहीं होता है। ज्योतिष हमारे जीवन के हर पहलू से संबंध रखती है। हमारा दिन भी ज्योतिष के आधार पर तय होता है, रात भी ज्योतिष के आधार पर तय होती है। हमारा हर कर्म कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रह नक्षत्र से प्रभावित जरूर होता है। और ये ऐसी इतनी बड़ी साइंस है जिसको केवल हिंदू धर्म के अंदर ही डिकोड किया गया है, बाकी कहीं भी किसी भी सभ्यता के अंदर आपको इसके कोई प्रमाण नहीं मिलेंगे। थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी पृथ्वी के संदर्भ में, तारों के संदर्भ में, सूर्य के संदर्भ में, लेकिन ज्योतिषीय ज्ञान आपको केवल और केवल हमारे वेदों के अंदर मिलेगा। ये बात दर्शकों मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लाखों साल से हिंदू और हिंदू संस्कृति इस सनातन धर्म को इसलिए आगे बढ़ाए हुए हैं क्योंकि हमारा इस प्रकृति को समझने का तरीका ही दुनिया से बिल्कुल अलग है। यानी भारतीय संस्कृति के अंदर सदैव संसाधनों के विकास से अलग हटकर मानव और मानव के गुणों के विकास की ओर हमेशा ध्यान दिया गया है। इसीलिए हमारी क्षमताएं औरों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती हैं। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने 10 करोड़ रुपए कमाए, तो क्या वो पैसा जिंदगी भर आपके पास रहे इसकी कोई गारंटी है? या कोई भी संसाधन आपने इकट्ठा किया है वो जिंदगी भर आपका साथ देगा, क्या इसकी कोई गारंटी है? लेकिन यदि आपने विद्या अर्जित की है, ज्ञान अर्जित किया है, कोई योग्यता अपने अंदर विकसित की है, तो क्या वो कभी आपसे छीनी जा सकती है? यानी इस संसार को आगे भविष्य में क्या चाहिए इसकी रूपरेखा पहले से तैयार करके समाज को, देश को, लोगों को, दुनिया को उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, यही हमारी संस्कृति की पहचान है। इसीलिए मानव और मानव के सर्वांगीण विकास पर हमने सदैव ध्यान दिया है। और ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लाखों साल का जो हमारा इतिहास रहा है उसी के कारण से इस कठिन काल के अंदर भी हम भारतीय इन परिस्थितियों को बहुत ही सहजता के साथ स्वीकार भी कर लेंगे, इस परिवर्तन को सहन भी कर लेंगे और अपने आप को नए दौर में आराम से लेकर के भी चले जाएंगे क्योंकि हमारी क्षमताएं, हमारा ज्ञान, हमारा विवेक, हमारी संस्कृति ये इतनी मजबूत है कि कोविड जैसी महामारी या थर्ड वर्ल्ड वार या इकोनॉमिक क्राइसिस, इनसे हमारी संस्कृति धूमिल हो जाए या 200-400 साल तक अगर कोई हम पर शासन कर ले तो हम सदा के लिए मिट जाएं, ऐसी संस्कृति हमारी नहीं है। हमारी जड़ें बहुत मजबूत है। इसीलिए जो समय आ रहा है, इस समय के अंदर वही विजयी होगा जिस संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी हैं, जहां पर हम सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तौर पर हम मजबूत होंगे, वही संस्कृति इस परिवर्तन को सहन कर पाएगी। अन्यथा बाकी लोग इससे त्राहिमाम तो जरूर करेंगे और यही समय होगा जब पूरी दुनिया भारतीय सनातन संस्कृति का लोहा मानेगी। क्योंकि कहते हैं कि दो अगर ताकतवर लोगों के बीच में युद्ध हो तभी परिणामों को ऑथेंटिक माना जाता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। कोविड को लेकर के भारत ने भी परिस्थितियां देखी हैं।
लेकिन उसका कंपैरिजन कभी भी दुनिया के और देशों से नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका की परिस्थिति अलग है, यूरोप की परिस्थिति अलग है। लेकिन जब चाइना के अंदर कोविड के हालात हो रहे हैं, तो दुनिया को यह समझने पर मजबूर तो होना पड़ेगा कि दोनों की जनसंख्या लगभग बराबर है, दोनों की भौगोलिक सीमाएं भी आपस में मिलती हैं, दोनों एक ही जगह पर एशिया में ही हैं, लेकिन दोनों की परिस्थितियों को दुनिया ने देखा है किस तरह की परिस्थिति थी, लेकिन भारतीय इस परिस्थिति को कैसे हैंडल कर पाए हैं और चाइना कहां फेल हुआ है, ये कंपैरिजन जब दुनिया करेगी तो दुनिया को ये मानने पर मजबूर होना पड़ेगा कि कुछ बात तो ऐसी है भारत और भारत की संस्कृति में जो भारत को हमेशा बुरी परिस्थितियों से बहुत ही सहजता से बाहर लेकर के आती है। और इसी चीज की खोजबीन दुनिया करेगी तो उसे मूल में भारत और भारतीय संस्कृति मिलेगी। दर्शकों, इस वीडियो के अंदर मैंने आपको वो कारण बताए हैं, वो प्रक्रिया समझाई है कि कैसे भारत दुनिया के सामने अपने आप को मजबूती के साथ रखेगा और उसके पीछे क्या कारण बनेंगे, और उसका एक ज्योतिषीय आकलन मैंने आप लोगों को दिया है कि परिस्थितियां कैसे बदलती हैं, हम किस तरह से काम करते हैं तो परिणाम कैसे निकलते हैं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।